नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, गायत्री मंत्र अपने आप में महामंत्र है। जो व्यक्ति माँ की शरण में बैठ जाता है, जो व्यक्ति माँ की शरण में आ जाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट कठिनाई दूर हो जाते हैं। गायत्री मंत्र व्यक्ति को 9 चीज़ें देता है। गायत्री मंत्र की जब हम स्तुति करते हैं तो उसमें आता है, आयुः प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये 9 चीज़ें जो है माँ गायत्री की जो व्यक्ति साधना करता है उसको मिलती हैं। लेकिन वो कैसे मिलती हैं, किस प्रकार से मिलती हैं, किस प्रकार से हम साधना करें कि इन सब 9 चीज़ों का हम अपने जीवन में लाभ उठा सकें, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। और यदि आप गायत्री की साधना इन बताए सूत्रों के आधार पर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आयुः प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। इन सब सारी चीज़ों का हम आपको मतलब समझाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको किस प्रकार से प्राप्त होती हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो गायत्री मंत्र की स्तुति में लिखा गया है कि गायत्री मंत्र आपको देता क्या है। गायत्री मंत्र पहला आयुः, आपकी आयु को बढ़ाता है। जिस घर में गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उस घर में बीमारियां बहुत दूर दूर तक नहीं आती हैं। लेकिन ये कब नहीं आती हैं, कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि आचार्य जी, हम इतने सालों से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन हम हमेशा बीमार बने रहते हैं। तो उन सूत्रों को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि आपकी आयु में वृद्धि कैसे होती है। जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो व्यक्ति को हल्का भोजन लेना चाहिए, विषाक्त भोजन नहीं खाना चाहिए, तेल से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। हम क्या काम करते हैं कि गायत्री की साधना तो कर रहे हैं लेकिन मांस मदिरा भी का भी सेवन करेंगे, बाहर होटलों में भी खाना खाएंगे और उसके पश्चात जब साधना करने बैठेंगे तो हमारा पेट खराब होगा। तो क्या होता है कि जब हम गायत्री मंत्र की साधना करते तो व्यक्ति के अंदर सात्विक विचार आते हैं, और जब सात्विक विचार आते हैं तो सात्विक विचार कब आते हैं, जब वो सात्विक भोजन करता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा बनेगा मन, ये कहावत है कि जब आप जैसा अनाज खाएंगे वैसी आपका मन बनेगा, वैसी आपके अंदर विचार आएंगे। तो जब व्यक्ति सात्विक भोजन करना प्रारंभ कर देता तो उसकी आयु वैसी ही बढ़ जाती है। उपवास क्यों कराया जाता, उपवास का मतलब होता अपनी वासनाओं के समीप बैठना। तो जब व्यक्ति सात्विक भोजन करता है तो उसके अंदर की जो वासनाएं वो धीरे 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 खत्म होती जाती हैं। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, जिभ्या संयम होता है, जीभ का संयम, और इंद्रिय संयम होता है, ब्रह्मचर्य का संयम होता है। जब आप गरिष्ठ भोजन करते तब आपके अंदर वासना जागृत होती है, वासना की विकृति आती है, आपकी देखने की महिलाओं को दृष्टि बदल जाती है, आपकी कुदृष्टि हो जाती है।
तो जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसके अंदर इस प्रकार के विचार धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं, और जब विचार बंद हो जाते हैं तो फिर उसका ब्रह्मचर्य का तेज बढ़ता है। उसके अंदर जो सात्विक भोजन करता है उससे व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा जागृत बढ़ती है और उसका जो है आयु भी बढ़ जाती है। फिर उसको किसी प्रकार के कोई भी रोग नहीं होते हैं। रोग व्यक्ति को कब होते हैं? जब आप गरिष्ठ खाना खा लेते हैं, या आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आपको ऐसा खाने खाने चाहिए और आपने होटल में खाना खा लिया, या आपने बाहर किसी पार्टी में देखा कि फ्री फंड का मिल रहा है और आपने ज़्यादा खाना खा लिया, तो उससे क्या होगा कि आपकी तबीयत ख़राब होगी और आप अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, और फिर जब अस्पताल में भर्ती होंगे तो दुनिया की दूसरी बीमारियां भी पैदा हो जाएंगी। जिस प्रकार से कि व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करने वो किसी भी प्रकार से भोजन करे उसको उसका लाभ ज़रूर मिलता है। इसी प्रकार से जो भी साधक गायत्री मंत्र का जाप करता है उसको उसका लाभ ज़रूर मिलता है। लेकिन कैसा मिलता है कि जब आप भोजन करते हैं और बगैर सोचे समझे भोजन कर लेते हैं तो उससे आपको बीमारी हो जाती है। लेकिन जब आप होशपूर्वक भोजन करते हैं, अच्छे से भोजन करते हैं कि हम सिर्फ भोजन कर रहे हैं उस समय, किसी चीज़ का उस समय ध्यान नहीं करते, तब फिर वो जो है भोजन आपको जो है लाभ देता है और आपके अंदर सही तरीके से मांस मज्जा का जो है वो संचार करता, उन चीज़ों का वो निर्माण करता है और फिर व्यक्ति की आयु बढ़ती है। जो व्यक्ति अच्छे तरीके से खाना खाता, सात्विक खाना खाता, उसकी आयु वैसे ही लंबी होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठता है उसकी आयु वैसे ही लंबी हो जाती है। तो सबसे पहला गायत्री मंत्र आपको देता है आयु, उसके बाद में प्राणम। यानी जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसका सूर्य मजबूत होता है, उसकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य क्या होता है? आत्मा का कारक होता है। सूर्य व्यक्ति के आत्मबल को मजबूत करता है। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, जो व्यक्ति साधना करता है, जो व्यक्ति भगवान की प्रार्थना करता है, उसके ऊपर कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो जाए आ जाए, वो व्यक्ति उन सब चीज़ों से घबराता नहीं है। तो गायत्री मंत्र आपको एक प्रकार की शक्ति देता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, आपके अंदर हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं कि नहीं, गायत्री माता हमारे साथ में, हमारा कुछ भी अहित नहीं हो सकता। तो आपके प्राण शक्ति को मजबूत करता है, आपके विल पावर को मजबूत करता है, आपकी कुंडली के सूर्य को प्रबल करता है। ये गायत्री मंत्र से आपको दूसरा लाभ होता है। प्रजाम, प्रजाम का मतलब होता है प्रजा, आपके परिवार के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके शहर के लोग, आपके गांव के लोग, धीरे धीरे उनमें आपका प्रभाव बढ़ना चालू होता है, उनसे आपका संपर्क बढ़ना चालू होता है, वो आपको प्यार की दृष्टि से देखना चालू कर देते हैं। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उससे परिवार के लोग प्यार करते हैं, और फिर धीरे धीरे समाज के लोग प्यार करने लगते, फिर मोहल्ले के आसपास के लोग जो है उसको उसका सम्मान करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे उसकी ख्याति जो है वो गांव में शहर में फैलना प्रारंभ हो जाती है। तो आयु, प्राणाम, प्रजाम आपके मान सम्मान में वृद्धि कर देती, आपकी जो है उन सब चीज़ों को बढ़ा देती, आपके उसके दायरे को बढ़ा देती है। पशुम, पहले ज़माने में लोग जिनके पास में ज़्यादा हाथी घोड़े रहते थे, गाय बैल रहते थे, उसके आधार पर उनका आकलन किया जाता था कि ये कितने बड़े आदमी हैं। आजकल क्या देखा जाता है, किसके पास में कितना बढ़िया मोबाइल है, किसके पास में कितनी महंगी गाड़ी है। तो आपको इन सब चीज़ों से सुविधा युक्त करता है पशुम। यानी आपके पास में मकान, गाड़ी, घोड़ा, इन सब चीज़ों की आपको फिर कोई कमी नहीं रहती है। ये सब चीज़ें गायत्री माता आपको देती है। द्रविड़म, धन, धन व्यक्ति को मिलता है, लेकिन व्यक्ति को धन कब मिलता है? जब वो उसका सही सदुपयोग करता है। हम क्या काम करते हैं, आपके पास में ज्ञान है, यदि आप उस ज्ञान को बांटेंगे नहीं तो वो धीरे धीरे जैसे तालाब में पानी रहता है वैसा सड़ जाएगा। नदियाँ निरंतर जो है लोगों को देती रहती है, इसके लिए उनका जल जो है स्वच्छ रहता है और पवित्र रहता है, लेकिन चूंकि तालाब देता नहीं है इसलिए उसका जल जो है वो दूषित हो जाता है। आपके पास ज्ञान है
तो जब तक आप ज्ञान को नहीं बांटेंगे तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो सड़ जाएगा। आपके पास में धन है, लेकिन यदि आप धन को जो है अच्छे कार्यों में नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो है तिजोरी में इकट्ठा करते हुए चले जाएंगे, तो फिर आपकी जो है कंजूसों में गिनती गिनी जाने लगेगी। एक गांव में एक कंजूस था, उसका नाम था धनीराम। लोग उससे बड़े प्रभावित थे कि भाई कितना बड़ा आदमी है, लाखों करोड़ों रुपए की इसके पास प्रॉपर्टी, लेकिन कितने सादे कपड़े पहनता है, सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन है। लेकिन उसकी लड़की 28 साल की हो गई, वो शादी नहीं कर रहा था, तो गांव में जो है चर्चा होने लगी कि भाई ये व्यक्ति कितना कंजूस है, अपनी बच्ची की शादी ही नहीं कर रहा है। तो जब उसके कानों में बात पड़ी तो उसने बोला, बात तो सही है, बच्ची की शादी करनी चाहिए, बच्ची शादी योग्य हो गई है, बल्कि शादी के योग्य से भी ज़्यादा समय निकल गया है। तो उसने पास के एक गांव में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के लड़के का नाम था चंगीराम, उससे अपनी बच्ची का संबंध तय किया। तो जब वो सगाई करने के लिए आए तो लड़के के पिता ने धनीराम से बोला कि देखो भाई, मेरे पूर्वजों ने बड़े मुश्किल से जो है जमीन जायदाद चल अचल संपत्ति को एकत्रित किया है, तो मैं यह आश्वस्त होना चाहता हूँ कि तुम्हारी बच्ची फिजूल खर्ची तो नहीं है, तुम्हारे घर में इस प्रकार का कोई फिजूल खर्च तो नहीं होता है, अन्यथा हमारी बनी हुई जमीन को, हमारी बनी हुई संपत्ति को वो आकर के नष्ट कर देगी। इस चीज़ का पहले मैं सगाई करने के पहले ये जान लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो पगड़ी पहन के आया हूँ ये मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, उनके दादाजी और पांचवीं पीढ़ी में जो थे उन्होंने एक व्यक्ति से, अपने मित्र से उधार में ली थी, तो ये पगड़ी तब से चली आ रही है। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारी बच्ची इस प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं। उन्होंने बच्ची को आवाज़ दी कि बेटे मेहमानों के लिए सुपाड़ी लेकर के आए। लड़की एक जो है प्लास्टिक की सुंदर सी प्लेट में एक सुपाड़ी का टुकड़ा लेकर के, पूरी सैगी सुपाड़ी लेकर के आई, अपने पिता के समक्ष रखा कि पिताजी सुपाड़ी लीजिए। उसने सुपाड़ी को मुंह में डाला, आधा मिनट तक मुंह में घुमाया और घुमाने के पश्चात उसको मुंह से निकाला और बढ़िया कपड़े से साफ करके उसमें प्लेट में रख दी और समधी के ऊपर की तरफ बढ़ाया कि लीजिए समधी जी। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति मेरे से भी बड़ा कंजूस दिखाई देता है, सुपाड़ी को उसने आधा मिनट तक मुंह में रखा और उसके पश्चात मेरे को दे रहा है। तो उसने बोला कि समधी जी आप चिंता मत करें, ये मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी, उनके दादा परदादा, सातवीं पीढ़ी में जब अकबर का राज था, उनका शासन था, तो उनके महल के बाहर जो सुपाड़ी पड़ी मिली थी उसको वो उठा करके लेके आ गए थे, तब से सुपाड़ी का सभी लोग हम सात पीढ़ियों से आनंद ले रहे हैं, आप भी इसका आनंद लीजिए। तो मित्रों, इस प्रकार की कंजूसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होता है कि धन भी जो है जब आप एकत्रित कर लेते हैं तो वो भी एक प्रकार की दुर्गंध पैदा करने लगता है। ज्ञान और धन दोनों को अच्छे कार्यों में बांटना चाहिए, अपने ज्ञान को लोगों में बांटना चाहिए, धन को ज़रूरतमंद लोगों को आपको देना चाहिए। आप के पास यदि भगवान की दया से पैसे हैं तो आप स्कूल खुलवाएं, गरीब बच्चों की सेवा करें, अस्पताल में जाकर के जो है आप जो बीमार व्यक्ति हैं जो फल इत्यादि नहीं ले सकते, दवाएं नहीं ले सकते, आप उनको जाकर के दें। लेकिन कुछ अच्छे कार्य यदि आप करेंगे तो आपको धन की वर्षा होगी, तब फिर गायत्री माता आपको क्या देगी, द्रविड़म यानी धन देगी। ब्रह्म वर्चसम यानी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा, आपके अंदर ब्राह्मण जैसी सोच आ जाएगी, आप ब्राह्मण बन जाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो व्यक्ति को मरने के बाद जो लोग बोलते हैं स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, तो स्वर्ग की पूरी ज़िंदगी आप यहीं पे जी लेते हैं। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ पर लोग आपको मान सम्मान की दृष्टि से आपके समक्ष खड़े हो जाएंगे, वो आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आपके अंदर जो मान सम्मान आप ऐसे नहीं पा पाते, वो गायत्री माता की साधना से आदमी के अंदर एक प्रकार का ओस हो जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी वाणी में तेज हो जाता है।
तो वो सारी चीजें आपको गायत्री माता दे देती है। मैं हम दत्त्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम, और मरने के पश्चात में उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी ब्रह्म लोक में चला जाता है, फिर वो स्वर्ग नरक की जो है आवागमन बंद हो जाता है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसका फिर इस मृत्यु लोक में आवागमन बंद हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग की जिंदगी तो वो यहीं पर जी करके चला जाता है मृत्यु लोक में। स्वर्ग है या नहीं है तो किसी को पता नहीं है, जिसने बताया उसने देखा नहीं है, और जो मर गया जो आकर के बताता वो बताने आता नहीं है, इसलिए क्या पता कि स्वर्ग नरक है कि नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इसी जीवन में, जिसके पास में आयु का संकट नहीं है, कभी बीमार नहीं रहता, उसकी प्राण ऊर्जा तगड़ी है, किसी भी परिस्थितियों में वो घबराता नहीं है, उसको परिवार के लोग प्यार करते हैं, समाज के लोग सम्मान करते हैं, आसपास के लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके पास में वैभव की कमी नहीं है, उसके पास में धन की कमी नहीं है, और उसके पश्चात उसका सर्वत्र जो है उसका सम्मान है, तो जब ब्रह्म वर्चस्व व्यक्ति के अंदर आता है तो उसके अंदर भाव आ जाते सर्वे भवन्तु सुखिना। तो जिस दिन हमारे अंदर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं कि सारे लोग सुखी हों, हम अकेले सुखी ना हों, जिस दिन व्यक्ति पौधे में सिर्फ फूल देखता है उस दिन उसकी सुगंध जो है फूल जैसी खिल जाती है, लेकिन हम कांटों को पहले देखते हैं। तो जिस दिन व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो जाती, विधायक हो जाती है, उस दिन व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो गायत्री मंत्र आपकी सोच को बदल देता, आपके अंदर विधायक सोच आ जाती है, यानी आपके अंदर सकारात्मक सोच आ जाती है, और जिस दिन आपकी नकारात्मक सोच आना बंद हो जाती है उस दिन जो है आप उस मंत्र का पूर्ण रूप से लाभ ले पाते हैं। कमल का फूल जो है वो कीचड़ में खिलता है लेकिन भगवान के चरणों पर जाता है। तो जिस दिन व्यक्ति इस कीचड़ रूपी दलदल में, संसार में रहते हुए भी कमल के फूल की तरफ खिल जाता है, तो वो भगवान के चरणों में समर्पित होने की स्थिति में आ जाता है। तो मित्रों, ब्रह्म वर्चस्व आने व्यक्ति की दूर दूर तक जो है उसकी सुगंध फैल जाती है फूल के समान। फूल को बोलना नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर खिला हुआ हूँ, आओ मेरी खुशबू ले लो, तो उसकी चारों तरफ जो है उसकी खुशबू फैलना चालू हो जाती है। हर व्यक्ति को पता चल जाता है कोई गायत्री का साधक है यहाँ पर। तो इसी को बोलते स्वर्ग, यानी जीवन में यदि व्यक्ति की इन चीज़ों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो उसके इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है। तो जो गायत्री का साधक होता है, जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है, फिर वो सीधा मोक्ष उसका हो जाता है, फिर उसका आवागमन बंद हो जाता है। तो मित्रों, ये 9 चीज़ें गायत्री मंत्र हमें देता है, बशर्ते कि आप ध्यानपूर्वक साधना करें, आप भाव के साथ बैठें। भगवान भाव का भूखा होता है, भगवान पदार्थों का भूखा नहीं होता। भगवान ये नहीं देखता कि आज आपने जो है हमें पुष्प चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, आपने इतनी माला का जाप किया कि नहीं किया, वो देखता है कि जब आप हमारे पास में बैठे तो कितने सही तरीके से बैठे, कितनी देर तक आप मेरे समीप मेरे से जुड़ कर के बैठे। जिस दिन आप ईश्वर से एकाकार हो जाएंगे, जिस दिन आपका और माँ गायत्री का वार्तालाप चालू हो जाएगा, जब आप दोनों एक हो जाएंगे, भक्त और भगवान, इष्ट और भगवान जब एक हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें फलित होना चालू हो जाती हैं। इसलिए तो लोगों ने भजन बनाया हुआ है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। एक बार मीरा के जैसे भगवान को बुला करके तो देखें, निश्चित रूप से वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपके दिन मंगलमय हो। पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व आशीर्वाद आप सभी के लिए सदैव मिलता रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।